हाँ जी परमादरणीय सज्जनो, आप सभी से यही करवत निवेदन है, विनती है, प्रार्थना आराधना है, गुजारिश है, निवेदन है, अनुरोध है। क्या बात है, आप सभी जिस तरीके से आनंद लेते आ रहे हुए उसी तरीके से लेते रहिएगा। गौर करिएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है चार लाइनों में, और चाचा जी कैसे चल बिन हंसा ना मिले और बिना भजन भग ईश्वर से मिल गई सरस्वती और श्री गुलाब गुरु से ज्ञान कि चल से हंसा यो मिले जैसे भरत मिले भग। आदरणीय सज्जनों, आइएगा अपने ध्यान को वहीं लगाइएगा जहाँ पहले प्रश्न को छोड़ा था। क्या बात है, गौर करिएगा, आज इधर रानी कुंती अपने पांचों पुत्रों के पास जा रही है कि रो मत ही कुंती चली नैनन नीर चुचाए और अब भीम नकुल सहदेव धर्म सुत अर्जुन लिए। अपने पांचों पुत्रों को बुला लिया, खास करके कुंती को अर्जुन ने देखा, कहने लगा माँ तेरा चेहरा उदास, इस उदासी का क्या कारण है। आदरणीय सज्जनो, अब अर्जुन अपनी मैया से कह रहा है झड़के माधव से और चाचा जी कैसे, क्या कहा, हेरे लग रही चिंता और खास भई उदास अरी उदास मंदिर के बीच मुसीबत
कुंती ने इतने शब्दों को कहा, अर्जुन ने कहा माँ सुबह तो होने दे, भोर तो होने दे, मैं तेरे लिए यहीं से सोने के सुगंधित पुष्पों की व्यवस्था करूंगा। आदरणीय सज्जनों अब सुनिएगा, अर्जुन कह रहा अपनी मैया से मीठे मीठे शब्दों में, और सुनिएगा चिकड़ी की मराठी और चाचा जी कैसे। अरे भोर हो तई सुन मेरी मैया, और क्या, अरे भोर हो तई सुन मेरी मैया, और तेरी मेट दऊ सब शंका है क्यों। अरे मुर्गा बोले, अरे मुर्गा बोले शिव मंदिर में दिल अरे बिछे को करिश्मा कर रहा है, क्या बात है? और सोने के सुगंधित पुष्प मंगा रहा है, क्या बात है? अब सुनेगा बारहमासी चिकड़ी की और कैसे चाचा जी। हेरे लई प्रतिंचा खींचे, हाँ जी का कह रहे हो अर्जुन, जाएंगे ऐसे क्यों तुम्हारी सुनावे का ही बैठे, क्या कहा। हेरे लई प्रतिंचा खींच पारथ ने और बाण संहार्यो है, अरे ऊपर कुबेर के बागन में या